हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीज किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बचे हुए चावल से कैसे क्रिस्पी पकौड़े बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सुबह का नाश्ता क्या बनाए और रात का चावल अगर बचा हो तो उससे क्या करें, उसका क्या ऐसे टेस्टी नाश्ता बनाया जाए तो बच्चे मज़े से खाएँ और बड़े भी मज़े से खाएँ। तो मैं यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए चावल से क्रिस्पी चाइनीज़ पकोड़े कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इस तरह से बचे हुए चावल का नाश्ता भी हो जाएगा और बच्चे भी इसे आसानी से खाएंगे और मज़े से खाएंगे। बचे हुए चावल कोई भी बच्चों को देता नहीं है और कोई बड़े भी खाते नहीं है बहुत सारे घर में, तो उसका क्यों ना टेस्टी नाश्ता बनाया जाए। तो आइए करते स्टार्ट। मैंने यहाँ पर ये बचे हुए रात के चावल लिए है, उसको थोड़ा सा मैंने पानी लगा के इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। अब इस चावल को मैं एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ले लेती हूँ ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग आसानी से मिक्स कर सकें। अब इसमें मैं थोड़ी सी सब्जियाँ डालूंगी। सब्जी आप अपनी पसंद से ले, आपके बच्चे खाते हैं उसी तरह से आप सब्जियाँ ले। मेरे पास ये थोड़ी सी पत्ता गोभी थी तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब इसे मैं यहाँ पर डालूंगी। इसे मैंने बहुत ही बारीक कद्दूकस किया है जिससे वजह से बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी सब्जी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गाजर भी लिया है। गाजर मेरे पास था तो मैंने एक गाजर कद्दूकस करके लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे हरे प्याज के पत्ते थे तो मैंने इसको बारीक कट करके लिया है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल अपना वाइट वाला प्याज बारीक कट करके ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सब्जियाँ डलनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत सब्जी आप लोग डाल सकते हैं जो भी घर में बची है। अब मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन लिया है, इसको थोड़ा सा पहले ग्रेट करके लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आता है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप उसे डाल सकते हैं। सारी सब्जियाँ हो गई है, अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। मिर्ची पाउडर थोड़ा कम ही डालें क्योंकि बच्चे इसे खाने वाले हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं करना है हमें इसे। अब हम इसे देंगे चाइनीज़ फ्लेवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच विनेगर लिया है। विनेगर से थोड़ा सा खट्टा बनाता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है चाइनीज़ जैसा। इसके साथ ही हम लोग लेंगे सोया सॉस। सोया सॉस यहाँ पर मेन इन्ग्रीडियंट है, सभी चाइनीज़ की चीज़ों में सोया सॉस डलता ही डलता है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, ये थोड़ा डार्क वाला सोया सॉस है, आपके पास लाइट वाला है वो भी चलेगा। सोया सॉस से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेजवान सॉस लूँगी। आपके पास शेजवान सॉस है तो डालें, नहीं तो थोड़ा सा चिली सॉस डालें क्योंकि हमें इसे ज़्यादा तीखा नहीं करना है। सिर्फ फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 चम्मच शेजवान सॉस लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डालूँगी। टोमेटो से थोड़ा सा स्वीट और टैंगी टेस्ट आता है और बच्चे इसे मज़े से खाते हैं। अब मैं बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैदा डालूंगी। मैदा मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि थोड़ा हम लोग चावल का आटा भी लेंगे, पूरी तरह से हमें मैदा इसमें यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल का आटा ले रही हूँ। चावल का आटा है तो आप चावल का आटा यूज़ करें, नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। बट चावल का आटा ईजिली घर में अवेलेबल होता है और ये भी बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े इससे बनते हैं, तो मैं ये यूज़ करूँगी। पहले आप थोड़ी कॉर्न में डालें, अगर बाद में आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो आप बाद में डाल सकते हैं सब मिक्स करने के बाद। अब इसमें जाएगा नमक। नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हम लोगों ने सोया सॉस और विनेगर डाला है, उसमें भी नमक होता है, और टोमेटो सॉस भी डाला है तो उसमें भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा कम ही डालें। अब बारी इसे फाइनल टच देने की, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने की। मार्केट में जैसे रेड कलर के पकौड़े होते हैं उस तरह का हम लोग इस पर लुक देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है जो कि चाइनीज़ कलर है। बच्चे भी इसे देखते ही खाएँगे और मज़े से खाएँगे, उनको लगेगा कि मार्केट से हम लोगों ने पकौड़े खरीद के लाए हैं। अब हमें इस आटे को ऐसे गूंथ लेना है, इसका एक डो बना लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि सब्जियों का जो भी जूस है वो निकल जाएगा, और हम लोगों ने यहाँ पे सॉस भी डाला है, नमक डाला है, तो सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ऐसे ही मिक्स कर लेना है बिना पानी के। यहाँ पर पानी की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ये डो ऐसे ही बिना पानी से मिक्स हो जाएगा अच्छे से। अगर लास्ट में आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी लगेगा तभी आप पानी डालें, वरना ऐसे ही आप इसका सेमिति कैसे डो बना ले। आप देख सकते हैं बिना पानी के ही यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो गए हैं, ये थोड़ा सा चिपचिपा भी बन गया है। इसी तरह से हमें डो बनाना है। डो यहाँ पे रेडी है, हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो जाए अच्छे से और एक बढ़िया सा टेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाए। साइड में हमने तेल गर्म करने रखा है, तब तक ही हमारा डो भी सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गए, आइए चेक करते हैं। डो हमारा पहले से थोड़ा सा फूल गया है और सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम करने रखा था, मैंने तेल को मीडियम हीट पे गरम किया है। हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमें मीडियम ही तेल को गरम करना है। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम पकौड़े डालेंगे। पकौड़ों को ऐसे छोटे छोटे
डालना है। छोटे छोटे साइज में हम लोग पकौड़े डालेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी अच्छे से तलेंगे। जब भी आप पकौड़े तलते हैं तो ये हमेशा याद रखें कि गैस फ्लेम थोड़ा ज़्यादा ही रखें, स्लो गैस पे पकौड़े ना तलें, क्योंकि स्लो गैस पे हम लोग पकौड़े तलेंगे तो पकौड़े हमारे तेल पी जाते हैं। पकौड़े 5 मिनट हो गए हैं पकौड़े को डाले हुए। अब पकौड़े को ऐसे थोड़ा सा हिलाना है क्योंकि ये थोड़े से चिपक जाते हैं, तो हमें इन्हें खुला करना है और इन्हें थोड़ा सा अलटते पलटते रहना है। सबसे पहले पकौड़े डालेंगे तब हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, नहीं तो टूट सकते हैं। मीडियम गैस पे हमें 10 से 12 मिनट तक पकौड़ों को अच्छे से तल लेना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हैं पकौड़े यहाँ पे हमारे क्रिस्पी होने लगे हैं। मोस्टली पकौड़े यहाँ पे हमारे तैयार हो गए हैं निकालने के लिए। पकौड़े निकालते वक्त ये भी ध्यान रखें आपको गैस स्लो नहीं करना है, मीडियम गैस पर हमें रखना है और तब भी हमें पकौड़े निकालना है, तभी हमारे पकौड़े तेल नहीं पिएंगे और अच्छे से कम तेल में निकल जाएंगे, उसमें ज़्यादा तेल नहीं रहेगा पकौड़ों में। तो यहाँ पे हमारे बचे हुए चावल के क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े तैयार है। सेम प्रोसेस से बाकी के पकौड़े हम लोग तल लेंगे। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके बच्चों को बहुत ही बढ़िया पसंद आएगा और बचे हुए चावल का नाश्ता भी आपके अच्छी तरह से यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो तैयार है यहाँ पे गर्मा गर्म और क्रिस्पी बचे हुए चावल के टेस्टी चाइनीज़ पकौड़े। इस पकौड़ों को आप शेजवान चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।